Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. कैसे हो आप सब? क्या चल रहा है आजकल? पिछला व्लॉग पूरा चाय चाय में खत्म कर दिया था हमने, और अब नेक्स्ट डे है ये. अभी मैंने कल का व्लॉग भी डाला है, और अभी मैं मम्मी के पास आया हूँ फिर से कि मम्मी जी सुबह की पहली प्याली चाय के बना दीजिए प्लीज, कृपया करके एक कप. और मम्मी ने बोलने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया है. देख रहे हो आप लोग, इसे कहते हैं मोहब्बत, माँ की ममता, समझ रहे हो आप लोग. भाई मेरी मम्मा क्यूट. चल चाय बना लो. पापा कहाँ गए? गाड़ी आई बनवाने गए. अच्छा चलो गाइस, पापा तो गए ऑफिस, अपन लोग हैं खाली. अपन लोग बैठेंगे, चिल करेंगे, बीजीएमआई खेलेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे आज, एंड जो भी करेंगे आपको दिखाते रहेंगे. बाय. भाई के साथ जो हुआ, मतलब गाइस आप लोगों को भी बता रहा हूँ, साथ साथ ही बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है मतलब मेरे को दो बार नहाना पड़ गया. बहुत अत्याचार हुआ. मैं गया बाहर से, तो मैंने तो एक सेकंड रुको गाइस, मैं 60 FPS वाला वो कर नहाने गया, तो मैं तौलिया ले आया, बालकनी में सूख रहा था, मैं नहाने लगा. नहाने के बाद मैंने एकदम चकाचौंध एकदम बढ़िया तरीके से मुंह ऐसे तौलिया उतारा, साफ करा, वो वापस यहाँ से गिल्ला हो गया. मैंने देखा मैंने क्या है, मैंने देखा भाई इतनी सारी बीट उस पर लगी हुई है, और मैंने वो नोटिस नहीं करी, और वो ऐसे चिपक गई. और पूरा मूड खराब हो गया नहाने के बाद, मैं दोबारा नहाया, उसके बाद मतलब मैंने फेस वॉश लगाया, मैं फेस वॉश के बिना नहाया था, फिर मैंने फेस वॉश लगाया और पूरा साफ करा गाइस, मतलब अभी भी अंदर से अच्छा सा फील नहीं हो रहा, और वो गीली गीली टट्टी हो गई बिल्कुल ही. बीट गंगा जल से ना, गंगा जल से ना, गंगा जल से भाई ये पिक सीन हो गया गाइस मेरा. मतलब नहाने के बाद भी अगर कोई गंदा हो, बस क्या बताऊं, वो वही बाथरूम में सूख रहा. किसी का तो पेट कुछ ज्यादा ही खराब था. ये मम्मी का सिलवार है उसके ऊपर कर रखा है ये, देख लो. किसी कबूतर या चिड़िया का जिसका भी पेट ज्यादा ही खराब था. ले मम्मी उठो, 20 पैसे. क्या कह रहा मम्मी, क्या कह रहा? पड़ गए तो क्या कह रहा है? यो ऐसो क्यों पड़ा मम्मी? यो मेरे पास ऐसा पड़ा होता ना, मैं अपने शरीर की खाल काट देता जहां तक यो चिपकता, क्योंकि यो हफ्ते हफ्ते लोधन ना, यो हफ्ते हफ्ते लोधन हफ्ता नहीं, हफ्ते हफ्ते लोधन फर्क है माँ मेरे भाई में साले. हाँ कोई बात नहीं, फर्क कर लेते. नहीं बच्चा सड़ा हुआ हो माँ को तो वो भी प्यारा लगे. ठीक है, अभी लेकर आ रहा कीचड़, गोबर लेकर आ, नाली का पानी लगाऊंगा. ठीक है, फिर देखूंगा कैसा ही बालक हो, अपना सड़ान सा चाहे काला सा चाहे धोला सा, वो ही प्यारा लगे अपना बच्चा. हाँ मेरे तो सारे प्यारे. और जब तुम दोनों ही एक जैसे हो गए तो तुम्हें तो लगेगा ही प्यारा. हाँ तू क्या है, मेरा का डांस डांस आती है ना, कोई दिले भाई आई एम तकड़ा. 2:30 बजने वाले हैं गाइस थोड़ी देर में, और हमारी मम्मी नाटक देख रही है, पता नहीं कौन सा मम्मी. इंडिया स्टोर. सही में यही है इसका नाम. अनुपमा देख लो, बहुत बहुत सूरी, बहुत बहुत सूरी, सूरी सूरी. दूसरी शादी करी, तीन बच्चों को छोड़ के जवान. तो पापा क्या नाटक में ही तो कर रहे होंगे? नाटक पे अनुपमा पे आदमी चर्चा कर रहे हैं अनुपमा की. अच्छा। सब औरत ऐसे ही करने लगेंगी, बच्चों को छोड़ छोड़ के दूसरी शादी करने लगेंगी. ओ मम्मी चलो आप लोग, चलो कुछ करते हैं. तो अभी इतना चाय बना दो. इतना लाड़ प्यार चल रहा है मम्मी और भैया का. मैंने कहा मम्मी बढ़िया छोड़ नहीं रही, मैंने कहा भैया एक बार नू बोल के तो देख कि मम्मी चाय बना दो. तो यही से लात मारेंगी और सीधा नीचे है. सही बता रहा हूँ, जो चाय को कह दिया समय हो नू थोड़ा ही बिना टाइम के चाचा जाओ अपना काम करो तुम, चलो जाओ जाओ चलो 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 चल बस. मैंने भैया का कान देखा और कान साफ करा और मैंने कान में बताया क्या निकला, खून निकला गाइस, खून का मलबा. आप देख लेते तो आप खौफ खा जाते कि ये मतलब खून कैसे, मतलब भैया का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था पीछे से, तो उसकी वजह से ना, तो उसकी वजह से जब मतलब जो भी चीजें हुई थी तो खून बहुत सारा निकला था, और वो कान के अंदर भी खून ही जम गया है भाई. मैं तो देख के अभी फट गई. काम है एक रील का एक पार्ट शूट करने को, तेरे पे वो नहीं हुआ, और मेरी मम्मी इतनी तगड़ी एक्टिंग कर रही है, और तू क्या कर रहा? मम्मी को हंसी आ रही थी थोड़ी सी, वो बात अलग है, तुझे इतना सा शॉट लेने को कही, ज्वाइन कर रहा. गाइस आता हूँ मैं एक मैच खेल के, रुको आप भी वेट करो मेरा थोड़ा सा, टाइम हो गया शाम की चाय का, मम्मी बना रही है चाय, मैं आता हूँ. आपको एक बहुत तगड़ी बात बताऊँ, मैं अभी ना किसी किसी का क्या केतन का व्लॉग देख के आया हूँ,
अगर आप लोग जानते हो केतन को, और मैं कमरे में आया भैया भी उसी का व्लॉग देख रहे हैं। गॉड मां भाई सेम सेम यार, लाइक वाइक करो यार, क्या कर रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो, हां सब्सक्राइब करो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये कैसे आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। ये भैया का है, हाथ भी नहीं लगाने देते जी से भैया। जिस दिन मेरे पे पैसा आ गया, जिस दिन मैं ऐसा आईफोन खरीदने लग गया, दिन घुसने नहीं दूंगा कमरे में, घर ही अलग बना लूंगा भाई, लात मार के भगा दूंगा भैया साले। मैं अचानक से ना मेरा शिवम से बड़ा मिलने से का मन कर रहा था, मुझे थोड़ी सी शिवम की याद सी आ रही थी आज, तो मैंने कहा चलो आज उसके घर होके आते हैं। तो अभी उसके घर के लिए निकला हूँ और घर जा रहा हूँ उसके, तो मिलते हैं अंकल आंटी से। ठीक है, अंकल आंटी से मिलवाऊँगा या नहीं देखो ये नहीं पता, मुझे थोड़ी सी अभी उनके सामने वैसे थोड़ी शर्म सी आती है, बाकी देखते हैं। ठीक है, उसके डॉगी से तो मिलवाई। ठीक है, जा रहे हैं अभी हम रास्ते में। भाई आप ये घर देख रहे हो, ये ना शिवम के साइड वाला घर है, और ये बंदे और मेरे से तो ऐसे बात करते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा है, ये ना खंडर की तरह है। पहुंची हूँ मैं उसके घर, और ये साइड वाला घर बिल्कुल ही खंडर है, डर लग रहा है मेरे को तो देखते हुए भी। चलते हैं देखते हैं अंकल आंटी है भी या नहीं, मुझे नहीं पता, अंकल की गाड़ी नहीं खड़ी, क्या पता हो ही ना घर पे, और मैं ऐसी गाड़ी असर ड्राइव देने हो जाएगा। चलते हैं अभी देखते हैं इस, इसको देख लो भाई, तो इधर आओ इधर आओ, नई वीडियो बना रहा हूँ, मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी ना तो इसलिए ठीक चल रही है, इसको देखो। चल पिछड़ गया गाइस, मेरे को ना 1.5 घंटा हो गया, मैं 1.5 घंटे से शिवम के घर पे बैठा हुआ था, अंकल आंटी से बात कर रहा था, और मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था बात करने में, तो मैंने रियलाइज़ नहीं करा कितना टाइम हो गया। और अभी ना बहुत टाइम हो गया, बीच में पापा मम्मी का कॉल भी आया था कुछ काम से, और अभी मैं जा रहा हूँ घर फटाक से। ये शिवम का डॉगी है जो आपने अभी क्लिप देखी, पहले भी दिखा रखा है मैंने, और अंकल आंटी से भी मैं कभी किसी और दिन मिलवाऊँगा, आपको उनसे पूछ लूँगा, जब उनको पता है मैंने आज बताया उनको कि मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, वैसे उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं था शायद पहले। अभी हम चलते हैं घर फटाक से, भग कर चलते हैं, लेट हो गए हैं। क्या कर रहा तू? मैच देख रहा है। कौन सा मैच? वाइपर का। अच्छा ये खेल रही है अभी भी? हाँ। अच्छा और बता क्या हाल चाल। वैसे इस व्यक्ति को कुछ काम नहीं है, ये इस बेड पे पड़े पड़े बेड तोड़ रहे हैं। ये बीमार आदमी है तो क्या करेगा और? कितना बीमार है तू, अब इतना तो ठीक हो गया। जब तू मेरे शॉर्ट व्लॉग में भी कह रहा कि तू गर्दन नहीं हिला सकता तो Make sure to check out his short vlog because I am the only one entertainer in his vlog. जाके देख लो बस, इतना क्या हम क्या व्लॉग देख के जिस गाइस इसे बेइज्जती सहन नहीं होती मेरे को, जल्दी करके सब्सक्राइब करो चैनल को। आज का व्लॉग ऐसे तू मतलब वो कर देगा गाइस, मेरे से बेइज्जती सहन नहीं होती तो 10-12 भी देख रहे ना तो जेन्युइन है, लॉयल पर्सन। ठीक है, तेरे क्या है, कुछ भी नहीं, कॉम्पिटिशन लगाने का इस, दिखा दो जल्दी। आज का व्लॉग यहीं तक का था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।